हेलो व्यूअर्स, अद्विका स्वर्ण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का मेरा ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और अपने बेबीज़ को एसी फ़ैन और कूलर इंट्रोड्यूस करने का सोच रहे हैं और सोच रहे हैं क्या ऐसा करना सही है, और हम अगर सही है तो कौन सा टेम्परेचर उनके लिए राइट होगा। तो जब हमारे घर में छोटे से बेबी का बॉर्न होता है ना, तो हमें एज अ न्यू पेरेंट्स दादी, नानी, चाची, मामी, सासू, मामा के बहुत सारे नुस्खे सुनने को मिलते हैं। और एज अ न्यू पेरेंट्स हमें समझ में नहीं आता कि हमें कौन से नुस्खे फॉलो करने हैं और कौन से बेसलेस है जिसे इग्नोर करने हैं। तो जब मैं पेरेंट्स बनी थी तो मुझे भी बहुत सारे नुस्खे सुनने को मिले थे, जिसमें से पहला नुस्खा था कि अपनी बेबी को फ़ैन के नीचे आपको नहीं सुलाना है। मेरी बेबी का बॉर्न नवंबर में हुआ था, जिस टाइम में कोलकाता में थोड़ी गर्मी तो रहती है और मेरे को गर्मी लग रही थी लिटरली, बट एज बिकॉज मेरे को सजेस्ट किया गया था कि फ़ैन नहीं चलाना है तो मैंने फ़ैन नहीं चलाया था, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। अब मुझे एज अ पेरेंट्स ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मेरी बेबी को भी गर्मी लग रही है मेरी तरह। तो मैंने सोचा कि चलो मैं एक बार डॉक्टर से बात कर लेती हूँ। तो जब मैंने डॉक्टर से पूछा था तो उन्होंने बस एक ही मुझे जवाब दिया था कि जैसे आप ह्यूमन बीइंग है ना, और अगर आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है या बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो आपसे थोड़ा कम, लेकिन आपकी बेबी को भी गर्मी ज़रूर लग रही होगी क्योंकि वो भी एक ह्यूमन बीइंग है। हम बड़े अपने शरीर का टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं, अगर हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो हम ब्लैंकेट ले सकते हैं, फ़ैन बंद कर सकते हैं, अगर गर्मी लग रही है फ़ैन का स्पीड बढ़ा सकते हैं, एसी का टेम्परेचर कमा सकते हैं, पर छोटे बच्चे ऐसा नहीं कर सकते। एज अ पेरेंट्स हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसे हम एक राइट टेम्परेचर में रखें, क्योंकि बेबी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा वेंटिलेटेड और एयरी रूम का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। क्योंकि अगर बेबी का टेम्परेचर कम, बेबी को कंफर्टेबल टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो उसको नींद ठीक से नहीं आएगी, और अगर उसको नींद ठीक से नहीं आएगी तो ये उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ठीक नहीं रहेगा। तो एक अगर शब्द में मैं जवाब दूँ तो हाँ, आपको अपनी बेबी को फ़ैन, एसी और कूलर चला के सुलाना है, बट कुछ प्रिकॉशंस के साथ। जब आप अपनी बेबी को फ़ैन चला के सुलाए ना, तो हमेशा कोशिश करिए कि कभी भी उसको डायरेक्ट फ़ैन के नीचे मत सुलाइए, फ़ैन से थोड़ा सा साइड करके अपनी बेबी को सुलाए। जब भी फ़ैन चलाए हमेशा टेम्परेचर 4 से शुरू करें, फिर अगर आपका बेबी कंफर्टेबल है तो 3 पे, फिर कंफर्टेबल है तो 2 पे, फिर 1 पे लेके जाइए। कंफर्टेबल आपको कैसे पता चलेगा? कि आपके बेबी के नोज़ ब्लॉकेज नहीं हो रहे होंगे, उसको सर्दी नहीं लग रहा होगा और आपके बेबी के हाथ पैर ठंडे नहीं हो रहे होंगे, ये तो आपको चेक करके पता चल ही जाएगा। तो बेबी को कूलर के नीचे कैसे आपको सुलाना है? बेबी को जब भी आप कूलर चला के सुलाए तो डायरेक्ट स्विंग्स के पास मत सुलाइए बेबी को, रूम का विंडो खोल दीजिए ताकि क्रॉस वेंटिलेशन हो सके रूम में। बेबी को फैन एसी के नीचे कैसे सुलाना है आपको? बेबी को एसी चला के सुलाइए आप, बट कुछ प्रिकॉशंस के साथ। पहला प्रिकॉशंस, आप कभी भी बेबी को जब भी एसी चला के सुलाए स्विंग्स डायरेक्ट उसके ऊपर ना पड़ रही हो। दूसरा, बेबी को हमेशा आप जब भी एसी में सुलाए 2 लेयर के कपड़े में सुलाए। पहला लेयर में आप दोनों ही लेयर में आप कॉटन के क्लोथ्स दे, पहला लेयर में पतला सा कॉटन का एक बनियान दे दे और दूसरा में आप भी आप कॉटन का जैसा कंफर्टेबल आपको लगे और आपके बेबी को लगे कॉटन क्लोथ्स का लेयर, सर पे एक पतला सा कॉटन कैप और हैंड्स में ग्लव्स दे दीजिए और चेक करते रहिए कि आपकी बेबी के हाथ पैर ठंडे तो नहीं हो रहे हैं ना। अगर हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं तो एसी का टेम्परेचर रेगुलेट कीजिए। जब भी आप बेबी को एसी में सुलाए तो उस रूम में एक वेसल में पानी डाल के रख दीजिए, क्योंकि एसी से बेबी के जो बॉडी पे जो मॉइस्चर होता है ना वो खींच लेता है, तो बेबी का स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। एसी में सुलाने से पहले हमेशा बेबी के पूरे बॉडी में मॉइस्चर लगा दीजिए और एक सलाइन ड्रॉप दोनों नोज़ में एक एक ड्रॉप दे दीजिएगा बेबी को। जब भी बेबी को एसी चला के सुलाइए हमेशा उसके लिए सबसे कंफर्टेबल टेम्परेचर होता है 24 to 27। ये टेम्परेचर में बेबी बहुत कंफर्टेबल होता है और उसको ना ठंड लग रही होती है ना गर्मी लग रही होती है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि 24 डिग्री में भी आपकी बेबी को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, मतलब उसको नींद नहीं आ रही है, वो बहुत क्रैंकी हो रहा है,
तो 22 तक लाइएगा, बट कोशिश करिएगा कि 22 से नीचे कब भी मत लाइएगा, या कि बेबी के लिए ठीक नहीं होगा। जब भी आप अपने बेबी को एसी वाले रूम में सुलाए, तो एसी वाले रूम से झटके से एक बार में आप बाहर रूम में लेके मत आइए, किसी और रूम में जहाँ एसी ना चल रहा हो। जब भी आप एसी से बाहर निकलने का सोच रहे हो, तो पहले एसी को बंद कर लीजिए, 10-15 मिनट वेट कर दिए, जब टेम्परेचर नॉर्मल सा हो जाए तब बेबी को बाहर लेके आइएगा। तो आप अपने बेबी को एसी फैन और कूलर चला के सुला सकते हैं, बट आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं ताकि उनका तबीयत बिगड़ ना जाए। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, न्यू मॉमीज़ के शेयर कीजिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।